छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में एकमात्र बस्तर सीट पर चुनाव होना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए आज से मतदान दलों को केंद्रों में भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हेलीकॉप्टर से 75 केंद्रों में मतदान दल भेजे जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से 3 दिन पहले ही मतदान दलों को केंद्रों में भेजा जा रहा है। बता दें कि विधानसभा कोटा के 26 मतदान केंद्र, नारायणपुर के 33 और बीजापुर के 76 मतदान केंद्रों के लिए दलों को रवाना किया जा रहा है। दलों की रवानगी के दौरान तीनों विधानसभा के जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित होकर मतदान दलों को हौसला अफजाई किए। पूरी प्लानिंग जो है निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में और हमारे राज्य की जो निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उनके निर्देश पे की गई है। और आज से हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ हमें जो P-3 मतलब पोलिंग से 3 दिन पहले जो है हम दल रवाना शुरू करते हैं। काफ़ी दल जो है हेली ड्रॉपिंग होती है, तो उसके लिए जो हमारे सभी मतदान कर्मी जो है कल से आ चुके हैं। विधिवत उनको पूरा सामान दिया जा चुका है, EVM मशीन और सभी जो है आवश्यक मतदान सामग्री। और वो आज से जो है मतलब 16 तारीख से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो कैंप्स में स्टे करेंगे और जो है 19 तारीख का निर्वाचन पूर्ण करके